सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो बब्बू मान साहब जी की एल्बम है वैली लैडे। सो इस के एक गाने में हम रिएक्शन देंगे, किरदार। सो इस गाने को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे इस गाने को सुनना है, क्योंकि इस गाने का नाम है किरदार। तो यहाँ पर किस तरह से प्रेजेंट करेंगे बब्बू मान साहब अपने किरदार को, यह मुझे सुनना है। सो जैसे कि आज जो है बब्बू मान साहब जी का जन्मदिन है, सो जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ बब्बू मान साहब जी को, और वो हेल्दी रहें, खुश रहें, और इसी तरह उनके जो फैंस हैं उनको जो है पसंद करते रहें, उनको सुनते रहें। सो जैसे कि हम इस गाने को सुनेंगे उसके बाद इस गाने के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जितने भी मान साहब जी के फैंस हैं जो उनको चाहते हैं, जो उनके बिल्कुल ही कट्टर फैन है बोलते हैं ना, सो वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सो गाने को स्टार्ट करते हैं। मुझे ये गाना इसलिए सुनना था कि इस गाने का नाम था किरदार, और मुझे यही सुनना था कि यहाँ पर मान साहब जी किरदार पे किस तरह का जो है लिरिक्स लेकर आएंगे, किस तरह के वर्स लेकर आएंगे। क्योंकि जब भी मान साहब इस तरह के ट्रैक लेकर आते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जब कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ना, सो इंसान जो है सुनने वाला जो है शॉक हो जाता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ सुनने को मिल सकता है। और जैसे कि यहाँ पर मान साहब ने जो भी मेंशन किया है इस गाने के अंदर, जो भी डाला हुआ है, सो उन्होंने अपना किरदार जो है इस गाने के अंदर झलकाया है, प्रेजेंट किया है। और ये गाना जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी अच्छे जो राइटिंग स्किल जो है मान साहब की आप सबको पता ही है, और काफी अच्छी तरीके से जो इस गाने को प्रेजेंट किया है ना, काफी ज्यादा अच्छा लगा। और साथ ही साथ इस गाने में जो लो साउंड बीच के साथ जो इस गाने को गाया गया है, यानी बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत ही कम आर्टिस्ट जो है लो बीच में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस तरह गाना गा सकते हैं, बट यहाँ पर मान साहब जी ने पूरा गाना जो है लो बीच
की साउंड के साथ गाया है, और साथ ही साथ इस गाने का जो बीट्स था, जो म्यूजिक था, वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। और मैंने जब भी देखा है ना मान साहब जी के गानों में, बीट्स और म्यूजिक जो है वो काफी डिफरेंट यूज करने लगे हैं, काफी डिफरेंट तरीके लेकर आने लग गए। सो जैसे कि गाने का नाम था किरदार, और यहाँ पर मान साहब जी ने यही बात बोली है कि और लोगों ने जो है नोट छापे और मैंने जो है किरदार। सो अपनी पर्सनैलिटी को जिस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बताया है, वो चीज तो काफी अच्छी लगी ही। साथ ही साथ यहाँ पर मान साहब जी ने ये बात भी बोली कि जिनका दिल भी होता है ना, वो मेरे बारे में कुछ भी बोल देता है, और अगर मैं मुंह खोल दूं तो क्या ही होगा। सो एक तरह से ये बात बोलनी भी चाहिए कि हाँ, एक इंसान के अंदर एक पेशेंस होता है कि हाँ चलो छोड़ो, उसको बोलने दो जो कोई भी बोल रहा है। बट एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि हाँ मान साहब जी को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है अफवाहें ज्यादा फैल जाती है जब आप, यानी कि एक पर्सन कुछ नहीं बोलता और बहुत सारे लोग जो है एक पर्सन के बारे में बहुत कुछ जो है बोलने लग जाते हैं। सो वहां पर जो है अफवाहें फैल जाती है। तो वहां पर एक जो कि मान साहब जी बोल रहे हैं कि मैं अगर मुंह खोलू तो मैं बोलना शुरू कर दूं, सो यहाँ पर मेरा तो यही कहना है कि मान साहब जी को भी आगे बढ़कर बोलना चाहिए, क्योंकि जो है ह्यूमर्स बढ़ जाता है, अफवाहें फैलती हैं, और उन अफवाहों को रोकने के लिए जवाब देना ही चाहिए। सो जैसे कि मान साहब ने इस गाने में ये बात भी बोली कि मेरी जिंदगी के जो फैसले हैं, मेरी जिंदगी के ऑर्डर जो है वो मैं खुद ही लेता हूँ। सो वो किसी से जो है एक तरह से बोलना उनका ये मतलब है कि वो किसी से सलाह नहीं करते। सो ये बात एक क्लियरली जैसे कि यहाँ पर मान साहब जी ने बोली है। सो एक तरह से ये बात भी है कि अपनी जिंदगी को किसी और के हाथ में होल्ड ना करकर अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथ में होल्ड करना। सो जैसे कि यहाँ पर मान साहब ने ये बात बोली कि नन्हे बच्चे जो है वो चाल साज हो गए हैं नेट के वजह से, यानी कि नेट के थ्रू से। सो उनका यहाँ पर बेसिकली मतलब है कि जब हम रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, सो वहाँ पर हमें जो है कुछ ऐसी वीडियो मिलती है जो कि एंटरटेनमेंट होती है, बट कुछ ऐसी वीडियो भी मिलती है जहाँ पर बच्चे जो है व्यूज पाने के लिए, नंबर पाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि वो जो है एक तरह से बोल सकते हैं चाल साज में आ जाते हैं नेट के। तो वही चीज जो है यहाँ पर मान साहब जी ने बोली हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी लाइन लेकर आए हैं, एक तरह से करेक्ट मुद्दा उठाया है। सो जैसे कि ओवरऑल इस गाने की बात करूं तो यहाँ पर मान साहब जी ने अपने किरदार को जिस तरह से प्रेजेंट किया है और जिस लिरिक्स के थ्रू वो इस गाने को लेकर आए हैं, वो ज्यादा काफी अच्छा लगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह की भी बातें करी है कि नेट के थ्रू जो है बच्चे चाल साज में आ रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे ये जो गाना था वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। एक तरह से जो राइटिंग स्किल है यहाँ पर बब्बू मान साहब की, वो काफी अच्छी लगी। और आज जो है बब्बू मान साहब का बर्थडे भी है, और एक तरह से सरप्राइजिंग था कि उनकी एल्बम एकदम से ऐसे ड्रॉप हो गई। मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मान साहब जी की जो है एल्बम आएगी और इस तरह से वो जो है गाने ड्रॉप करेंगे। और सबसे पहला गाना जो है मैंने यही इसलिए चूज किया, आप सबको बता ही दिया मैंने। सो मेरे को ये गाना जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी अच्छे लगे इस गाने के लिरिक्स। तो आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।